हेलो एवरीवन। सो आज है हमारे वर्कआउट का डे टू, हमारे वीडियो का डे टू, व्लॉग नंबर टू भी बोल सकते हैं इसको। और आज हम करेंगे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। और जैसे पता है आपको, कल लाइक जिम जल्दी बंद होने के कारण हमारा चेस्ट भी बचा था, तो डे थ्री को हम ट्राई करेंगे चेस्ट को वर्कआउट करने का। और आज बाइसेप ट्राइसेप्स है, तो आज बाइसेप ट्राइसेप ट्रेन करते हैं। कोशिश करूंगा आपको पूरा वीडियो दिखाने का प्रॉपर, विद एक्सरसाइज हर एक चीज राइट वेरिएशन के साथ। तो चलते हैं, मिलते हैं जिम में। सो जिम जाने से पहले हम चेक कर लेते हैं अपनी कंडीशन। तो ये है आज की कंडीशन हमारी डे टू की। और जिम जाने के बाद सबसे पहले मैंने चेक किया अपना वेट, 67 kg अभी फिलहाल। देखते हैं 30 डेज बाद कितना होता है। सो सबसे पहले मैंने वार्म अप सेट लिया 2.5 kg के डंबल से। तो मैंने शोल्डर वार्म अप किया सबसे पहले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शोल्डर का भी इन्वॉल्वमेंट हर एक्सरसाइज में होता है, तो इंजरी फ्री रहेंगे आप। इसके बाद मैंने बाइसेप्स के 15 से 20 रेप्स 2.5 kg के डंबल से ईच साइड मैंने लिए। देन मैंने ट्राइसेप्स को ट्रेन करने के लिए सबसे पहले ट्राइसेप का भी एक वार्म अप सेट लिया 10 टू 15 रेप्स का 2.5 kg के डंबल से ही ईच साइड। सो वार्म अप के बाद हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि ट्राइसेप्स के लिए है, हमारी केबल पुश डाउन। तो केबल पुश डाउन में मैंने वी बार अटैच किया है। अगर आप बिगनर हैं तो आप स्ट्रेट बार भी यूज कर सकते हैं। सो मैंने केबल पुश डाउन का फर्स्ट सेट मैंने लिया लाइट वेट से 15। चार सेट करेंगे प्रॉपर केबल पुश डाउन के। जो फर्स्ट सेट हमारा होगा लाइट वेट से होगा, और जो लास्ट सेट होगा हमारा हैवी होगा टिल फेलियर तक। सो केबल पुश डाउन के बाद अब हम मूव करते हैं अपने बाइसेप की फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। सो बाइसेप की फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी होगी जिग जैग बारबेल कर्ल। सो जिग जैग बारबेल कर्ल के टोटल हम चार सेट करेंगे। इन चार सेट में से दो हम करेंगे वाइड ग्रिप के साथ और दो हम करेंगे क्लोज ग्रिप के साथ। जो दो सेट होंगे वाइड ग्रिप के या क्लोज ग्रिप के, दोनों ही सेट हमारे हैवी होंगे, लाइट वेट से मैं नहीं करूंगा। और जो सेकेंड सेट होगा दोनों एक्सरसाइज का, वो ड्रॉप सेट होगा। लाइक अगर मैंने फर्स्ट सेट 15 से स्टार्ट किया और सेकेंड सेट 20 से, तो सेकेंड सेट हमारा 20 और 15 का दोनों मिक्स। सो सेकेंड एक्सरसाइज हमारी होगी ट्राइसेप्स की सिंगल आर्म ओवरहेड केबल एक्सटेंशन। सो इस एक्सरसाइज के हम चार सेट लेंगे। फर्स्ट सेट हमारा होगा 15 टू 18 रेप्स का, और जो हमारा लास्ट सेट होगा उस लास्ट सेट में भी हम ऐसा वेट सिलेक्ट करेंगे जिससे हम 10 से 12 रेप इजीली निकाल सके। सो रेस्ट के बाद जस्ट हम अपनी सेकेंड एक्सरसाइज बाइसेप्स की पिक कर दें। तो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है बाइसेप्स की प्रेचर कर्ल। सो हर जिम में अलग अलग मशीन होती है। अगर आपके जिम में ये वाली मशीन नहीं है, देन आप नॉर्मल प्रेचर कर्ल पर भी कर सकते हैं। आप स्ट्रेट बार या जिग जैग कोई भी बार अटैच कर लें और आप नॉर्मल एक्सरसाइज प्रेचर कर्ल परफॉर्म कर सकते हैं। इस प्रेचर कर्ल के भी हम चार सेट लेंगे। जो फर्स्ट सेट होगा हमारा वो 12 से 15 रैप का, और जो लास्ट सेट होगा हमारा वो 8 से 10 रैप का होगा। और हर सेट के बाद हम थोड़ा थोड़ा वेट इंक्रीज करेंगे, और जो हमारा लास्ट सेट होगा वो हमारा मैक्स वेट पे 8 रैप होंगे उसमें टिल फेल। सो हमारी लास्ट और थर्ड एक्सरसाइज है हमारी ट्राइसेप्स की सिंगल हैंड केबल पुश डाउन। सो ये आप अटैचमेंट या ये भी अटैचमेंट लगा सकते हैं, या विदाउट अटैचमेंट भी इसको डायरेक्ट केबल पकड़ के कर सकते हैं। सो इसके भी चार रैप और थोड़ा सा लाइट वेट से। और थर्ड एक्सरसाइज हमारी बाइसेप्स की होगी डंबल हैमर कर्ल। सो डंबल हैमर कर्ल के भी हम चार सेट करेंगे, और इन चारों सेट में हम टिल फेलियर तक जाएंगे, क्योंकि डंबल हैमर कर्ल से हमारी जो बाइसेप की विड्थ होती है वो बढ़ती है। सो जो साइड व्यू बाइसेप्स का होता है वो हमारा बहुत अच्छा दिखता है हम डंबल हैमर कर्ल से। सो ये हम अपनी वर्कआउट में ज़रूर इसको यूज़ करेंगे। और बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद मैंने थोड़ा सा स्ट्रेचिंग की। वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग करने से हमें थोड़ा सा इंजरी में रिलीज मिलता है, हमें इतनी ज़्यादा जल्दी इंजरी नहीं होती है। सो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना हमें ज़रूरी होता है। और ये आप जब बात मैंने थोड़ा सा कोर पे भी फोकस करना स्टार्ट किया है। सो आज डे टू है और मैंने आज कोर पे भी थोड़ा सा फोकस किया। फॉर फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने कोर ट्रेनिंग के लिए मैंने चूज़ किया लेग रेज। सो लेग रेज मैंने बहुत दिनों बाद कोर को ट्रेन किया है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा पेन भी था। मैंने चार सेट करे लेग रेज के 100 रैप्स का, और फिर इसके बाद मैंने क्रंचेस किया। सो क्रंचेस के बाद मैंने 10 से 12 मिनट मैंने ये जंपिंग जैक किया। फिर इस जंपिंग जैक के बाद फिर ये मेरी कंडीशन है आज की आफ्टर वर्कआउट। सो बाइसेप्स का पंप ये दिख रहा है। अभी कोर में थोड़ा सा फोकस करना बाकी है। मैं
सो फाइनली डे टू का वर्कआउट कंप्लीट हुआ, अब निकलते हैं घर की तरफ और मिलते हैं आपसे कल डे थ्री पे. सो बाय बाय, गुड नाइट.